मानस के षष्ठम सोपान सुंदरकांड के दोहा नंबर 15 खा के नीचे की चौपाई, जहां बाबा जी लिखते हैं कि नारी स्वभाव सत्य कभी कही अवगुण आठ सदा उर रही। काल जी ग्रंथ श्री रामचरित मानस के 84 प्रसंगों में से, ये जो प्रसंग है ना श्री रामचरित मानस के 84 प्रसंगों में से 70 नंबर का प्रसंग है, और लंका कांड के 12 प्रसंगों में से पहला नंबर का प्रसंग है। सेतु बांध कबिसेन जी में उत्तरी सागर पार, उसी प्रसंग पर मुझे चर्चा करने का आदेश हुआ है, वही चर्चा करना है। निवेदन करूं कि महारानी मंदोदरी बहुत बार समझाई रावण को, कहते कि मंदोदरी ने 4 बार समझाई महाराज रावण को, और 14 लोगों ने 19 बार समझाया, 14 व्यक्तियों के द्वारा 19 बार समझाया गया रावण को, और कहीं कहीं कहते हैं कि 14 व्यक्तियों ने 17 बार समझाया, खैर जैसे भी हो, लेकिन समझाए महारानी मंदोदरी बार बार समझाए रही। आखिर क्यों ना समझाए, क्योंकि महाराज रावण मंदोदरी का सर्वस्व है। पतिव्रता नारी है मंदोदरी, और महारानी मंदोदरी का नाम पंच कन्याओं में भी आता है। अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंच कन्या स्मरणी नित्यम महापातक नाशनम, ऐसे महान नारी जो जानती है कि पति ही मेरा सर्वस्व है, वो क्यों न समझाए। और शास्त्रों ने जो नारियां हैं उनके 6 स्वरूप बताए हैं। अगर महाराज रावण राजा है तो मंदोदरी उसके लिए क्या है, शास्त्र कहती है कि कार्येषु मंत्री करने सुदासी। नारियों के 6 स्वरूप जो बताए हैं, कार्येषु मंत्री करने सुदासी, भोज्येषु माता सैने सुरंभा, धर्मानुकूला क्षमया धरित्री, स्त्री गुंछ सर्वदा गुणवती। तो महाराज रावण है राजा, तो माता मंदोदरी मंत्री है, तो राजा मंत्री को मंत्रणा न दे तो और किसको दे। तो इस उद्देश्य से महारानी मंदोदरी बारंबार महाराज रावण को समझा रही है। और बार 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 समझाती हुई, जब पहले बार, और मंदोदरी के हृदय में एक बात आई, कब से समझाना प्रारंभ किया मंदोदरी के, कहते हैं कि मंदोदरी हृदय कर चिंता भयो कंत पर विधि विपरीता। जब मंदोदरी को पता चला कि मेरे पति देव के ऊपर पार ब्रह्म परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक विपरीत हो गए, विरोध हो गए,
तब से, क्योंकि अपने सौभाग्य के रक्षा के लिए, अपने सिंदूर की रक्षा के लिए, अपने सर्वस्व की रक्षा के लिए बारंबार मंदोदरी समझाती है। और मंदोदरी जब प्रथम बार समझाती है तो कहती है, रहसी जोर कर पति पद लागी, अबोली बचन नीति रस पागी। प्रथम बार समझाती है, और उसके बाद दूसरे बार जब समझाती है तो मंदोदरी निवेदन करते, मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो, कौतुक ही पादो धी बंधायो। और तीसरा बार, अभी जहां मैं चर्चा कर रहा हूं ना, वही पे जब तीसरा बार मंदोदरी का तीसरा ये कह जाए वचन है रावण जी को समझाई से, सजल नयन कह झुक कर जोरी, सुनो प्राण प्रिय विनती मोरी, अकंत राम विरोध परिहरहु, जनि मनुज जानि हट मन धरहु। ये तीसरी बार समझाई यहाँ मंदोदरी रावण को, और चौथे बार आगे समझाते हैं। और निवेदन करूं, जब 14 लोगों ने 19 बार महाराज रावण को समझाए, लेकिन रावण ने, अगर रावण को कोई समझाए तो रावण ने किसी से सीधे मुंह बात नहीं की, सीधे मुंह बात नहीं किया रावण ने। अब देखे, जब रावण को मारुत नंदन हनुमान जी महाराज अनेक प्रकार के समझाते हैं, तो रावण हनुमान जी से कहते हैं कि बोला बिहसी महाय अभिमानी, मिला हम ही कपि गुरु बड़ ज्ञानी, अरे मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही। हनुमान जी को इस प्रकार से बोलते, मतलब सीधा मुंह किसी से बात ही नहीं करते। जब माल्यवंत का बारी आता है, माल्यवंत भी समझाते हैं बहुत हाथ जोड़ के, तो कहते हैं कि रिपुत करस का सर दो, दूरिन कहो यहां है को, ये रावण। और जब विभीषण हाथ जोड़कर बारंबार महाराज रावण को समझाते हैं, कहते हैं कि प्रभु बड़े भैया आप मान जाओ, और सीता जी को भगवान श्री रामचंद्र जी की देके आप शरणागत हो जाओ, तो रावण क्रोधित होके कहते हैं कि मम पुर बस तप सिन पर प्रीति, सठ मिल जाय कहो तिन नीति, अस कह चिन्हित चरण प्रहारा, अनुज गए पद बारह बारह। ये यहां तक जब सुख समझाते हैं महाराज रावण को, तो कहते हैं जब तही कहा देन बैदे ही चरण प्रहार किन सटते ही, इस प्रकार के। लेकिन जब माता मंदोदरी चार बार समझाई, और समझाते हैं माता मंदोदरी, तो महाराज रावण मंदोदरी को नहीं डांटते, हंस के टाल देते हैं या गला लगा लेते हैं या बिहस के पास में बिठा लेते हैं। ये माता मंदोदरी अस कही बिहसी, जब मंदोदरी समझाती है तो रावण क्या करते हैं, बाबा जी लिखते हैं कि अस कही बिहसी ताही उरे लाई, चले उन सभा ममता अधिकाई। और कहीं कहीं कहते हैं रावण क्या करते हैं, सुनते प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। रावण मंदोदरी को डांटते ही नहीं, प्रेम से उसे शांत करती है, क्या समझाते हैं। और यहां तक बिहसी नारी बचन सुन काना, अहो मोह महिमा बलवाना। रावण सबके समझाने से तो नाराज हो जाता है, लेकिन जब मंदोदरी समझाती है तो रावण बिहस के टाल देते हैं। क्यों, आप देखें जब मंदोदरी महाराज रावण को समझाती है तो आप ध्यान दें कि उसमें एक शब्द का बार बार प्रयोग करती है अपने वक्तव्य में वचन वजन लाने के लिए। निवेदन करना चाहो मंदोदरी देखेंगे, जहां जहां चार बार जब समझाए वहां वहां तो कहते हैं मंदोदरी कंत करस, कंत कंत कहती है मंदोदरी, कहते हैं कि कंत करस हरि सन परिहरहु, मोर कहायति हित ही अधरहु। और समझाते तो मंदोदरी लिखते हैं बाबा जी, मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयं कंत पर विधि विपरीता। मंदोदरी और कहती है महाराज रावण को, अह कंत कृत
राम विरोधा काल विवश मन उपजन बोधा कंत राम विरोध परिहर हु जान मनुज जनी हठ धर हु। इस प्रकार से मंदोदरी महाराज रावण को जब भी समझाए तो कंत शब्द का प्रयोग किए। अब निवेदन करूं, जब मंदोदरी समझाती महाराज रावण को कंत शब्द का प्रयोग करती है तो निश्चित तौर पर महारानी मंदोदरी का जो वक्तव्य है, जो विनती है, निवेदन है, जो समझाई से उसमें वजन आता है। देखें कि कंत जो शब्द है या कांत शब्द है, संस्कृत साहित्य में ये कम तनोतिति धातु से निष्पन्न होता है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कंत पे। संस्कृत साहित्य में कम तनोतिति धातु से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है कम यानी सुख, तनोति यानी प्रदान करने वाला। तो कंत का सीधी सा अर्थ होगा कि सुख को प्रदान करने वाला, सुख प्रदान करने वाला। और मंदोदरी बार बार निवेदन में कहती है कंत कंत, तो याने मंदोदरी एक प्रकार के महाराज रावण को और बताना चाहती है कि प्रभु दुनिया के जितने संबंधी है, चाहे भाई हो, भतीजा हो, पिता हो, माता हो, ससुर हो, सब संबंधी तो सुख के प्रदान करने वाले हैं, लेकिन पति की जैसे सुख प्रदान कोई नहीं कर सकता। इसलिए रावण बारंबार मंदोदरी की और देखेंगे हम, मंदोदरी सबसे ज्यादा उपदेश अगर किसी ने दिया महाराज रावण को तो मंदोदरी ने दिया। फिर भी रावण रुष्ट नहीं होते, न कठोर वचन बोलते हैं। ये महारानी मंदोदरी रावण को समझाती है। और मंदोदरी ऐसे क्यों ना समझाए, क्योंकि अपने मान के, अपने सम्मान के, अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए रावण को समझाना निश्चित तौर पर यही पतिव्रता नारी का धर्म है। और महारानी मंदोदरी अपने पतिव्रता नारी का जो धर्म है उसका निर्वहन कर रही है। उसके बाद निवेदन करना चाहूं, महाराज रावण ये तो मंदोदरी समझा रही है, और जब मंदोदरी समझा रही है तो महाराज रावण उनके समझाइश को सुनते हैं, और सुनने के बाद महाराज रावण हंसते हैं, बिहसते हैं, बिहसे एक बात कहते हैं कि नारी स्वभाव, रावण कहते हैं अरे नारी स्वभाव सत्य कभी कही अवगुण आठ सदा उर रही। रावण बिहस करके महारानी मंदोदरी से कहते हैं कि अरे नारियों के तो यह स्वभाव है, आठ प्रकार के जो अवगुण हैं वो सर्वदा सदैव नारियों के हृदय में रहते हैं। अब निवेदन करूं, थोड़ा से इसमें चर्चा करें, निवेदन करूं, नारी अगर नारी का संधि विच्छेद किया जाए तो सीधी से अर्थ होके न धन अरि बराबर नारी, मतलब जिसका कोई दुश्मन ही ना हो, या कोई जो किसी से द्वेष रखता नहीं हो उसे नारी कहते हैं। ना ही पति से, ना ही सास से, ना ही ससुर से, ना ही भाई से, ना ही समाज से दुश्मनी रखता हो उसे नारी कहते हैं। और ऐसे नारी में अवगुण हो सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन रावण कह रहे नारी स्वभाव सत्य कभी कहीं, रावण कहते हैं कि सच में मैं तो आज तक ये समझता था कि कवि लोग अपने कविता में किसी के बड़ाई करने के लिए कुछ के कुछ लिख देते हैं, यानी कि कवि लोग जो लिखते हैं वो सत्य हो ऐसा कोई निश्चित नहीं है, लेकिन आज समझ में आया। अच्छा मैं निवेदन करूं, ये यहाँ ये जो जो लाइन है नारी स्वभाव सत्य सब कहीं ऐसे है, मैं निवेदन करूं, जो एक मेरे पास पुराना प्रति है श्री रामचरित मानस का, वो बनारस से प्रकाशित है,
अभी वाले कई प्रतियों में देखा तो उसमें नारी स्वभाव सत्य सब कहीं ऐसा लिखा है, लेकिन जो पुराने वाले प्रति है उसमें पाठ भेद है, उसमें लिखा है नारी स्वभाव सत्य कभी कहीं कभी लिखा है। ऐसे ही वहां बहुत सारे जो पुराने प्रति है बहुत ही अच्छा बहुत सुंदर है, बनारस से प्रकाशित है, उसमें पाठ भेद है बहुत। और वो पाठ भेद में एक आध उदाहरण दो आपको, ऐसे तो 4200 पाठ भेद है उसमें। ये वाले जो रामचरितमानस है जो हमारे पास अभी उपलब्ध है उसमें कई चौपाई नहीं है, तो कोई चौपाई में कुछ शब्द को बदल दिए गए हैं या कुछ चौपाई में कुछ अक्षर को बदल दिए हैं। वैसे मैं उदाहरण दूं, जैसे कि जब मारिच प्रसंग के समय में आता है मारिच प्रसंग के समय, माता सीता जी बोलती है लखन लाल से, कहते हैं कि मर्म वचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। कहते हैं ये अभी वाले वर्तमान के प्रति में, अब आप देखेंगे मर्म वचन सीता जब बोला, अब व्याकरण के दृष्टि से भी देखेंगे ना तो उचित नहीं लगते हैं चौपाई। यहां तक कई चौपाई में ऐसे भी हैं, खैर तुकांत जो अंतिम वर्ण है उसको मिलान करने के लिए खैर स्त्रीलिंग पुल्लिंग का प्रयोग किया जाता है वहां तक ठीक है, लेकिन पुराने जो प्रति है उसमें लिखा है कि मर्म वचन सीता जब बोली, ये पुराने प्रति का बात बता रहा हूं मैं, वो मेरे पास अभी उपलब्ध है 50-60 साल पहले का होगा। वहां लिखते हैं कि मर्म वचन सीता जब बोली, अरे हरि प्रेरित लक्ष्मण मति डोली। और ये चौपाई जब देखेंगे ना तो व्याकरण के दृष्टिकोण से भी अच्छा लगता है, पुराना प्रतिम है। अब पता नहीं नए प्रतियों में ये पाठ भेद कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों कर दिए पता नहीं। और उसी के पास में एक चौपाई और है, हमारे नए वाले प्रति में ये बात नहीं लिखा है कि जब लखन लाल जी माता सीता जी को छोड़ के जाते हैं कहां, जहां मारिच मृग बन के भगवान श्री राम को लेकर के गए थे वहां जाते हैं, तो लक्ष्मण रेखा खींचा करके नहीं लिखे, लेकिन ये प्रति में लिखे हैं, कहते हैं कि चहुं दिस रेख खचाई अहिसा, अरे बार बार ना वही पद सीसा, इस प्रकार से लिखे हैं। तो मेरे कहने का मतलब पाठ भेद में जो नारी स्वभाव सत्य कभी कहीं पुराने प्रति में है, तो रावण मुस्कुरा करके कहते कि मैं समझता था कि कवि लोग झूठ मूठ लिखते हैं, लेकिन आज पता चला कि निश्चित तौर पर कवियों ने भी सही बात लिखा। अवगुण आठ सदा उड़ रही, महिलाओं के हृदय में आठ अवगुण सदैव रहते हैं। अब निवेदन करूं, रावण आठ अवगुण को बताते हैं, कहते हैं कि साहस अनित चपलता माया भय अविवेक असौच अदाया, ये आठ अवगुण है जो माताओं में रहते हैं। और रावण ये प्रयास कर रहे हैं कि ये आठों अवगुण, रावण का कहने का मतलब ये आठों अवगुण रावण ने मंदोदरी में दिखाए। आप देखेंगे रावण ने मंदोदरी में आठों अवगुण कैसे दिखाए। निवेदन करूं, पहला शब्द है इसका साहस, साहस तो महाराज रावण ये मंदोदरी के साहस को अपने हिसाब से अवगुण बता रहे हैं। अब कैसे कहते, क्या साहस है मंदोदरी के पास महाराज रावण के हिसाब से, महाराज रावण कहते हैं, कहते कि मंदोदरी यद्यपि जानकी जी को न देने का मेरा निश्चय देख करके भी, तुम जानती हो कि कोई कितना भी प्रयास क्यों ना करे लेकिन मैं जानकी जी को राम को नहीं दूंगा, फिर भी तुम पुनः पुनः प्रयास कर रही हो, ये तुम्हारा साहस है। पहला दुर्गुण तुम्हारा यही है, ये तुम्हारा साहस है, ये रावण कहते हैं। और अनृत कहते हैं कि साहस अनृत चपलता माया, कहते हैं अनृत यानी कि झूठ, और झूठ महाराज रावण अपने हिसाब से बताती है मंदोदरी झूठ कैसे बोल रही है। महाराज रावण कहते हैं कि हमारे पावन यश, महाराज रावण अपने कहते हैं हमारे पावन यश को त्याग कर मनुष्य का यश बार बार कहती हो, अरे यश गान करना है तभी अपने पति का करो,
है ना। कौतिक ही पर कैलाश पुण्य लिन्हित जाय उठाई, इसका वर्णन करो, इसका गुणगान करो। और राम, वो राम जो दशरथ के पुत्र है और मनुष्य है, उनको तुम ईश्वर कहते हो, तो इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। ये सब महाराज रावण जो आठ अवगुण बताए हैं वो मंदोदरी में दिखा रहे हैं। उसके बाद के चपलता, साहस अनरीत चपलता माया, जब चपलता तो कहते महाराज रावण मंदोदरी तुम्हें चपलता इतना ज्यादा है, ये तुम्हारा अवगुण है। क्या है, कहते हैं कि तुम बार बार मेरा हाथ जोड़ती हो, कभी पैर पड़ती हो, कभी गले लग जाती हो, और क्षण क्षण अनेक उपाय अभीष्ट सिद्धि के लिए करती रहते हो मेरे से, यही तुम्हारा चपलता है। तीन गुण हो गए तुम्हारे पास, मतलब जो आठ गुण है वो सब तुम में है। और कहते हैं कि माया, चौथा नंबर का जो अवगुण बता रहे हैं महाराज रावण, कहते हैं कि माया क्या है तुम्हारे, कहते हैं आंचल पसारती हो बार बार, कभी रोती हो कि मेरा सौभाग्य न रहेगा, कभी शत्रु का बल दिखाकर डराती हो, कभी मेरे मांग का सिंदूर नहीं रहेगी, ऐसी कहती हो, यही तुम्हारी माया है। ये मंदोदरी को महाराज रावण कह रहे हैं। और उसके बाद कहते हैं कि भय, अरे सबसे बड़े भय जो दुर्गुण बता रहे हैं महाराज रावण, और वो सब मंदोदरी में दिखा रहे हैं, और कहते हैं भय, भय क्या है, अरे नर बानर से डरती हो, यही तुम्हारे भय है, इससे भी डरपोक कोई हो सकता है, नर कभी भालू हार हमारा, उनसे तुम डरती हो। और उसके बाद कहते हैं अविवेक, अविवेकी हो तुम, क्यों मेरा महत्व नहीं जानती, तुम्हारे सामने में बैठा हूं और मेरा महत्व नहीं जानती, और मेरे गुण शत्रु में आरोपण करके मुझे सुनाती हो, यही तुम्हारी अविवेकी है, अविवेकी है। जो जो तुम राम के गुण बताए ना, वो सब सद्गुण मेरे में है, और ये सद्गुण तुम शत्रु में आरोपण करके सुनाती हो, तो निश्चित तौर पे तुम अविवेकी हो। और कहते हैं अशौच, अपवित्रता तो सदैव तुम में रहती ही है, सहज अपावन नारी पति सेवत शुभ गति लाए। उसके बाद महाराज रावण कहते हैं बहुत बड़े बात, अदाया, कहते हैं कि तुझमें दाया भी नहीं है। अरे मेरा छोड़ो, कम से कम सीता जी के ऊपर तो दया करती है, तुझमें दया भी नहीं है। क्या क्या दया नहीं है, कहते हैं कि अब बार बार तुम मुझे कहती हो, क्या कहती हो कि राम ही सौंप जानकी नाई कमल मधमात, अरे भगवान श्री रामचंद्र जी को जानकी जी सौंप दो, सौंप दो। अब विचार करो, ये जानकी के प्रति तुम्हारी दया है, नहीं यही अदाया है। क्या अदाया है, अरे जानकी जी अभी राजमहल में सुरक्षित है, और उसे मैं ले जाके तपस्वियों के दे दूं, तो जानकी के प्रति तुम दया कर रहे हो कि अदाया कर रही हो। और खैर वो जानकी जी तो हो गया न, तो तुम निशाचरों के ऊपर भी दया नहीं कर रही हो, कैसे। अब देख, नर कपि भालू आहार हमारा, ये राक्षस लोग कहते हैं, और बंदर भालू जब सीता जी जब तक यहां है तब तक यहां डटे हुए हैं, और सीता जी को जब राम जी को वापस कर दूंगा मैं, तो बंदर भालू सब चले जाएंगे, तो मेरे तो राक्षस भूखे मर जाएंगे ना, तो तुम राक्षसों के ऊपर भी दया नहीं कर रहे हो। इस प्रकार से महाराज रावण मंदोदरी के ऊपर ये आठ अवगुण दर्शा रहे हैं। और सोचे जाए जिसका नाम पंच कन्याओं में हो, जो पतिव्रता हो, ऐसे महान नारी मंदोदरी या कोई भी नारियों में ऐसे अवगुण हो ही नहीं सकते। और निवेदन करूं, क्यों ये जो बात है ये रावण का वक्तव्य है। रावण क्या कहते हैं, नारी स्वभाव सत्य कवि कहि, अवगुण आठ सदा उर रहि, ये रावण का वक्तव्य है। और
आप सबको विदित है कि रावण नायक नहीं, एक प्रकार के खलनायक है अगर कहे जाए तो। रावण का वक्तव्य है और किसी भी खलनायक का वक्तव्य प्रमाण नहीं हो सकता। अगर यही बात प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा होता, या भगवान शंकर कहे होते, या याज्ञवल्क्य जी कहे होते, है ना, तब प्रमाणित माना जाता। और रावण क्या है? रावण साक्षात मोह है। कहते हैं कि मोह दस मौल तस भ्रात अहंकार। अरे रावण तो साक्षात मोह है, और जो मोह है या जो मोह से ग्रसित है उसके वक्तव्य को सही कैसे माना जाए? और यही चौपाई है, नारी स्वभाव सत्य कभी कही, यही चौपाई क्यों पढ़ करके या सुन करके कुछ लोग पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर बात उठाते हैं, उछालते हैं, या उसके सर मरते हैं कि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी नारी विरोध थे। तो ये वक्तव्य किसका है? रावण का है। और एक चौपाई और आता है वहां सेतु बंध के ढोल गंवार सूत्र पशु सकल ताड़ना के अवतार। ये दो चौपाई ऐसे रामचरित मानस में जो जिसमें तुलसीदास जी के ऊपर कई लोगों ने बात उठाई, यूट्यूब फेसबुक सब में देखने को मिलता है, विचित्र विचित्र बात करते हैं। खैर वैसे बात नहीं है, वो अल्प बुद्धि का परिचय है। वो आए तो कहते हैं कि अब विचार करे साहस। महाराज रावण तो अपने परिभाषा में महारानी मंदोदरी का साहस अवगुण है उसको प्रदर्शित किए। अब निवेदन करूं साहस क्या है? कहते हैं कि साहस का होना एक प्रकार का निश्चित तौर पर के गुण है। अगर साहस अवगुण होता तो रानी दुर्गावती जी को हम क्या कहेंगे जिसने दुश्मनों का छक्का छुड़ा दी? वो साहस ही तो था ना उनका। महारानी लक्ष्मीबाई को क्या कहें? वीरांगना रानी अवंतीबाई जी को क्या कहें? गार्गी को क्या कहें जिन्होंने भरे राज दरबार में शास्त्रार्थ करने का साहस किया? तो ये साहस निश्चित तौर पर दुर्गुण नहीं, अवगुण नहीं, ये गुण है। और निवेदन करूं सबसे बड़ा उदाहरण मैं देना चाहूंगा साहस के ऊपर, महारानी कैकेयी जी। महाराज दशरथ जब भी रण में जाते थे या युद्ध करते थे, युद्ध में जाते थे, लड़ाई के मैदान में, तो महारानी कैकेयी के सारथित्व में जाते थे। महारानी कैकेयी के साहस के कई उदाहरण मिलते हैं। निवेदन करूं एक बार महाराज इंद्र के यहां से एक गंधर्व जिसका नाम विश्वावसु था, विश्वावसु अयोध्या आए तो राज दरबार लगा था। आए बैठे, महाराज दशरथ ने उनका सम्मान किया। और विश्वावसु का एक विशेष गुण था, ये संगीत में और नृत्य में पारंगत थे। उसके बाद समस्त राज दरबारियों ने, राज परिवारियों ने, सबने विश्वावसु के नृत्य संगीत का आनंद लिया। आनंद लिया इनके नृत्य और संगीत, क्योंकि यह गंधर्व था और महाराज इंद्र के दरबार के साथ। सब प्रभावित हुए, इतने प्रभावित हुए कि स्वयं महारानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से जाके निवेदन किया, महाराज अगर आप विश्वावसु को यही रख लेते तो रोज हमेशा इनका नृत्य और गान का हम सब आनंद उठाते, और हमारे यहाँ जो संगीताचार्य है या नृत्य कला जो प्रसंतित करते हैं वो भी पारंगत हो जाते हैं। तो महारानी कैकेयी के कहने से महाराज दशरथ ने विश्वावसु से कहा कि विश्वावसु एक काम करो ना, तुम यही रुक जाओ,
यही संगीत दिखाना, नृत्य करना, और अवध में जो संगीतज्ञ है, जो नृत्यांगना है, उनको सिखाना। तो विश्वावसु ने कहा कि महाराज, मैं क्योंकि इंद्र का सेवक हूं, मैं इंद्र का सेवक हूं, और बिना इंद्र के आज्ञा से मैं आपके यहां नहीं रुक सकता, नहीं ठहर सकता। इतना सुनना था तो महारानी कैकेयी को बड़ा क्रोध आया। महारानी कैकेयी को क्रोध आया, हम लोग इंद्र से आज्ञा लें? अरे आज तक के इंद्र ने जितना देवासुर संग्राम जीते वो सब मेरे महाराज के बदौलत जीते, और इंद्रासन में जो सुख पूर्वक बैठे बैठे अमरावती का राज्य कर रहे हैं तो महाराज दशरथ के कृपा से कर रहे हैं, उससे हम आज्ञा लें? ये महारानी कैकेयी का साहस देखिए। उसके बाद कहते हैं, कथा कहती है कि महारानी कैकेयी ने एक पत्र लिखा, और पत्र लिखा कठोर शब्द लिखे, वही बात जो मैं अभी बोला कि इंद्र तुम हमारे बदौलत इंद्र लोक का राज भोग रहे हो, महाराज दशरथ के कृपा से, और तुम्हें तुमसे हमें आज्ञा लेने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे पत्र में लिखा। और कहते हैं कि बाण में पत्र को लपेट के जब धनुष से बाण छोड़े माता कैकेयी, तो महाराज इंद्र के पास पहुंचा वो बाण, और जब इंद्र वो पत्र को पढ़े तो इंद्र कहते तिलमिला गए। आज तक के इस प्रकार से ना इंद्र का अपमान किसी ने नहीं किया था, तिलमिला गए। तो कहते हैं कि वही दिन से इंद्र ने मन में ठान लिया, कैकेयी तूने तो मुझे अपमानित किया, और जो तुमने मुझे अपमानित किया ना उसको एक तुम जानती हो, एक मैं जानता हूं, लेकिन इतना जान समय आने पर तुम्हें मैं इतना अपमानित करूंगा, तुम्हारे मुंह में काली पोतूंगा कि सारी दुनिया जानेगी। और कहते हैं यही बदला लेने के लिए राम वनवास के समय इंद्र ने सरस्वती को मंथरा का मति फेरने के लिए भेजा। खैर वो अलग कथा है। तो मेरे कहने के मतलब हम लोग साहस पे चर्चा कर रहे थे, ये साहस, तो ये साहस माताओं का अवगुण हो सकता है? बिल्कुल नहीं, निश्चित तौर पर गुण है। और रावण जो भाषण दे रहे हैं, संभाषण दे रहे हैं, जो वक्तव्य दे रहे हैं, और वो रावण तो खुद है परत्री चोर कुमारक गामी, जो पराय स्त्री का हरण करने वाला है, कुमारगमी चरने वाला है, वो नारियों के बारे में, स्त्रियों के बारे में अच्छा उपदेश दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और उसके बाद एक सहज अनृत, अनृत यानी कि झूठ, झूठ निश्चित तौर पर दो तीन मिनट में बात रखूंगा क्योंकि समय भी होने लगा है। अनृत निश्चित तौर पर झूठ, झूठ लेकिन किसी के प्राण बचाने के लिए या विशेष अवसर पर जिसका शास्त्र अगर समर्थन कर रहे हैं उस समय झूठ बोला जाए तो ये अवगुण नहीं गुण होता है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, महाराज विक्रमादित्य महाराज के दरबार में एक अद्भुत कह जाए केस आता है, आज के भाषा में कह जाए केस आता है। क्या केस आता है कि दो वहां एक कलावती और एक लीलावती नाम की महिलाएं का विवाद था, उसे लाया जाता है महाराज के दरबार में, विक्रमादित्य जो उज्जैन के महाराज थे उसके दरबार में लाया जाता है। और उनका विवाद क्या था, एक बच्चा था, एक पुत्र था उन लोगों का, आप किसका है तो बाद में पता चलेगा, उन लोगों का एक पुत्र था। वो कलावती कहती थी कि मेरा पुत्र है, लीलावती कहती थी कि मेरा पुत्र है। महाराज परेशान, सब मंत्रिमंडल परेशान, इसका फैसला कैसे किया जाए, हम झूठ पे चर्चा कर रहे हैं, कैसे किया जाए, क्या किया जाए। और ऐसे भी अगर आज भी कोर्ट में आप जाएंगे ना तो देखेंगे वकीलों के या जजों को प्रमाण के रूप में चार प्रमाण की जरूरत पड़ती है, आज भी मानती है कोर्ट। पहला प्रमाण क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण, और दूसरा प्रमाण शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण क्या है, जो वेद शास्त्रों में बात लिखी है वही शब्द प्रमाण है, लिखित प्रमाण। और तीसरा नंबर का प्रमाण है अनुमान प्रमाण। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान, अनुमान तो है नहीं, तीसरा प्रमाण। और चौथा प्रमाण क्या है, युक्ति प्रमाण। ये जो युक्ति प्रमाण है, तो महाराज विक्रमादित्य उनके मंत्रिमंडल तीन प्रमाण से वो सत्य का पता नहीं कर पाए, लेकिन चौथा नंबर का जो प्रमाण है युक्ति प्रमाण,
उससे सच्चाई का पता चल गया। ये तो कहती है कलावती मेरा पुत्र है, लीलावती कहती है मेरा पुत्र है। तो महाराज विक्रमादित्य ने एक फैसला दिया कि अच्छा ये दोनों माताएं कह रही कि इनका पुत्र है, तो क्यों ना इनके बच्चे को बीच में दरबार में खड़ा किया जाए और उसे बीच से काट दिया जाए, एक टुकड़े को लीलावती को दे दिया जाए, एक टुकड़ा को कलावती को दे दिया जाए। महाराज विक्रमादित्य का इतना कहना था। तो कलावती नाम की जो महिला थी चिल्ला के रो पड़ी, नहीं महाराज नहीं, ये पुत्र मेरा नहीं है, निश्चित तौर पर सत्य बोल रहा हूं महाराज, ये पुत्र मेरा नहीं है, लीलावती का है, उन्हीं को दे दिया जाए। महाराज ने जान लिया निश्चित है कोई माता अपने पुत्र को किसी के सामने या कहीं भी थोड़ा से घाव देना पसंद नहीं करती, कटवाना काहे पसंद करेगी। ये झूठ बोली कौन कलावती की, मेरा पुत्र नहीं है करके, तो ये झूठ भी गुण होता है। बोली सेवर रामचंद्र की जय, चूंकि समय बहुत हो चुका है, बोली सेवर रामचंद्र की जय। आदरणीय पटेल जी बोली सेवर रामचंद्र की जय। आदरणीय कौन सा भी सुन रहे थे नारी स्वभाव सब सब कहीं यही चौपाई मेरे द्वारा भी उच्चारण किया गया था, कहीं सब है कहीं कभी है, आपके द्वारा इसका सुंदर समाधान भी किया गया पाठ का भेद इसमें कि कहीं कभी लिखा गया सब लिखा गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मंदोदरी भगवान नारायण की महिमा कहती है और रावण मोह की स्थिति कर रहा है। स्तुति का भाव यह है कि जिसके ऊपर ममता रहती है उसके प्रति हमेशा एक पाप संकल्प बनी रहती है। पर रावण इस प्रसंग में देखिए, रावण में लाख पूरे कुछ अच्छा ही, पूज्य पंडित मुरारी बापू महाराज जी ने एक बार मानस रावण पर नौ दिवसीय कथा कही थी, उसमें रावण के सद्गुणों और यद्यपि महिमा मंडित नहीं करना है पर कुछ गुण भी है रावण में कि जीवन में यदि कोई समस्या है, बहुत समस्या है तो हंसकर टाल दो। रावण इस प्रसंग में भी आप देखेंगे रावण हंसकर बात टाल देता है कि इतनी बेवकूफ है, इतना दुस्साहस कर रही है कि मुझे निर्बल समझती है, मुझे उपदेश कर रही है। इसी प्रसंग में पूज्य चित्रकूट के पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य महाराज जी ने सती प्रसंग पर इसी